उपस्थित मेरे सामने समक्ष मेरी माताएं बहनें, तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी, हम सभी जानते हैं परसों नगर निगम का चुनाव है। बहुत महत्वपूर्ण होता है ये चुनाव, क्योंकि यह प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी है। शहर के अंदर गांव देहात में पंचायत सरपंच पहली सीढ़ी होता है, और शहरी क्षेत्र में नगर निगम तो सबसे छोटा चुनाव होता है, 2500-3000 वोटों का ही होता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह किसी भी प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की, चुनावी प्रक्रिया की आधारशिला है। इसके बाद विधानसभा है, लोकसभा है, राज्य का, देश का शासन, इसी तरीके से सरकारें बनती हैं और चलती हैं। यहाँ भी हम मेयर बनाने हेतु भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, उसके सदस्य चुन के आए, और फिर शहर का सौंदर्यीकरण हो, विकास हो, शहर की समस्याओं का निराकरण हो, इस सोच के साथ वो भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व आज मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, वो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे कहा जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। 70 साल से अधिक समय का 370 का धारा मोदी ने मुमकिन किया, धारा हटाई, और जम्मू कश्मीर में आज खुशहाली और शांति की तरफ बढ़ रहा है अग्रसर। मोदी है तो मुमकिन का एक और, अभी हाल ही में मात्र 4 दिन पहले ही राम जन्मभूमि का 150 साल पुराना मसला, और हमारे आजाद भारत का सबसे पुराना एक मुकदमा सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि न्यायालय ने भी देखा, कोई भी फैसला अगर सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रख सकती है तो ही देने फायदा है। वर्षों तक इस फैसले को टाला इसलिए गया था कि कहीं विघटन ना हो जाए, कहीं कोई देश में उपद्रव ना हो जाए, कहीं धर्म के नाम पे कोई बंटवारा फिर से ना हो जाए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको संभाल के रखे। तो इस बात के लिए मोदी सरकार ने इंश्योर किया न्यायालय को, और न्यायालय ने अपना फैसला एक मत होकर, सारी बेंच, 5 न्यायाधीशों की बेंच ने एक मत कर जो दिया कि रामलला का मंदिर वही बनेगा, और मुस्लिम समुदाय को भी 5 एकड़ जमीन, जो सबसे बड़ी जमीन होगी, सबसे बड़ा उनका मस्जिद बनेगी, उनके लिए वो भी एक फैसला किया। और उसके बाद उसका रिएक्शन, ये सरकार का प्रभाव है, ये मोदी जी का प्रभाव है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है कि कोई एक भी किसी गली से दंगे की, फसाद की आज तक खबर नहीं आई, पूरे देश से नहीं आई। तो ये बहुत बड़ी बातें होती है। जब हमारा मुखिया मजबूत होता है तो हमको काम करने में और आगे बढ़ने में बहुत आसानी होती है, हमें एहसास होता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। तो आज देश के साथ, देश को आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके दो महत्वपूर्ण नेता मोदी जी और अमित शाह जी संगठन को भी और देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक माला की तरह होती है कि सबसे पहले नीचे का एक बनिया है नगर निगम, इसमें भी मोदी जी के कमल के फूल के उम्मीदवार हमारी बहन, हमारे अजीज बबली देवी खड़ी है। आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे एक तो वोट डालने में जल्दी करना, थोड़ा सा कल काम धाम छोड़ देना, नाश्ता हमारी बात में करना, पहले वोट फिर नाश्ता, ऐसे कर लेना, क्योंकि महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं अगर ठान लेती हैं तो वही कर सकती हैं। ये जब वो अपना कर देंगे, और घर में कह दो कि भैया खाना बाद में मिला, तो पहले वोट डाल के आ जा, सीधी सी बात, पहले वोट डाल के आ जा, बाबा से कह दो और छोरन तुर कह दो लल्लू पहले वोट डालो और फिर आके खाना खा लिया। तो वो वोट जो होता है, कई बार हमारा मन करता है कि हमारा आदमी जीते, बबली जीते, खूब भर्रा के जीते, लेकिन अगर घर में बैठे रह जाएंगे जीते कैसे? एक एक वोट कीमती है, छोटा इलेक्शन है, पार्लियामेंट में भरपाई हो जाती है कि एक जगह हम हारते हैं, एक जगह कहीं जीत के बराबर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगी। यहाँ जो हमारी वोटें हैं, सबसे पहले वोट डालो, परसों का दिन आपके पास रहेगा, जितना जल्दी हो सके वोट डालो, जितने अधिक वोट डालेंगे उतना ही हमारा फायदा है। मोदी जी को देश चलाने में हम अपना सहयोग दे पाएंगे, भरतपुर शहर का विकास और सौंदर्यीकरण का अपना सहयोग दे पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को देश चलाने में एक और मदद कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कड़ी से ही माहौल में फिर कोई बात आएगी कि हाँ, अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो लोगों में आज भी जज्बा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, है कमल के प्रति, है मोदी जी के प्रति, है अमित शाह जी के प्रति है। मेरी शब्दों के साथ बहुत सारी बातें कहने की नहीं है,
बाकी तो ये छोटा चुनाव है, गली मोहल्ले की आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको खुद समझ है, आपके बीच में है बबली, आपके बीच में है भारतीय जनता पार्टी, आपके बीच में है, हमारे बीच में शैली भाई आए हुए हैं, डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के सुपुत्र है, बहुत ही कर्मठ युवा नेता है और बहुत अच्छे जुझारू, हर तरह से हमारे साथ हमारे बीच में रहने वाले व्यक्तित्व है। सारी भारतीय जनता पार्टी के इतने पदाधिकारी हैं, सब आपके बीच में है, इस शहर से सबका नाता है। मैं तो हाल ही में कमल को पकड़ा है, ये हाथ पकड़ रहा था बहुत दिन तक, लेकिन हाथ में कुछ गड़बड़ हो गई तो मैंने कमल पकड़ लिया है, तो मैं भी आपके संग सब हूँ। मेरा निवेदन है, मेरा पर्चा तो कैंसिल करवा दिया, आपको पता होगा, अंदाज होगा, मैं मेयर की दौड़ में था, लेकिन जान बुझ के ही जीत गई, कहीं तो जीत जाएगा सुरेश यादव, हार जाएगा तो मेयर पक्का बन जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन जाएगा। ये एक इस एहसास की वजह से प्रशासन ने एक ऐसा नाचन लगाकर, एक ऐसा अवरोध लगाकर मेरा पर्चा खारिज किया है जिसका कोई औचित्य नहीं है, जो कानूनी तौर पर नियम के हिसाब से कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता, उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी, मैं भी लड़ूंगा और हाई कोर्ट से हम जीत के आएंगे और उस वार्ड के चुनाव को कैंसिल कराएंगे, ये मैं आपसे वादा करके आ जाता हूँ। तो ये धड़धड़मी किया जानबूझ के, और आपको तो कमल को ध्यान रखना है, परसों वोट देनी है, जितनी माताएं बहन मेरी बैठी हुई हैं, अगर ये दो दो चार चार ले जाएंगे तो हमारी जीत तो पक्की दिख रही है, यही दिख रही है, कितने सौ वार्ड है, कितने कोटा में 2100 वोट है, 2100 में 1600 पढ़ेंगी, 1700 पढ़ेंगी, 500 वोट तो मुझे यहाँ दिख रही है, तो कोई दिक्कत ही ना है, आपकी जीत निश्चित है, आप तो वोट दो बोल के राज महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद पाड़िया जी का।